फिरोजाबाद के अधिवक्ता अकरम अंसारी के अपहरण के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी मुख्य अपहरणकर्ता समुद्र सिंह को गुरुवार देर रात को आगरा के सिकंदरा के जेसीबी चौराहे से आगरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल फिरोजाबाद के राजपूताना मोहल्ला निवासी अधिवक्ता अकरम अंसारी 3 फरवरी को बोदला में अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे। इसके बाद ऑटो से सिकंदरा पहुँचे थे, यहाँ से भगवान टॉकीज चौराहे पहुँचे। न्यू आगरा क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया था। इसके बाद 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 लाख लेने के बाद अधिवक्ता को मुक्त करने के लिए बदमाश राजी हो गए थे। अपहृत को मुक्त कराने के लिए 20 टीमों को लगाया गया था। 14 दिन तक पुलिस टीम बीहड़ में खाक छानती रही थी। पुलिस ने धौलपुर से अधिवक्ता को मुक्त कराया था। 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इनमें सुरेंद्र, उग्रसेन, लाखन, हनुमंत दास थे। गैंग का मुख्य सरगना समुद्र सिंह फरार था। उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही थी। समुद्र पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र के जेसीबी चौराहे पर बदमाश की घेराबंदी कर ली। वो बुलेट बाइक से आया था, पुलिस के रोकने पर फायरिंग करने लगा। इस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में समुद्र को पैर में गोली लग गई। सूचना मिलते ही एसपी सिटी बोथरे रोहन प्रमोद, सीओ हरिपर्वत मौके पर पहुंच गए। चूंकि ये अपहरण करने वाले गिरोह का सदस्य रहा है, इनके अन्य सदस्यों के बारे में भी और इनके तरीके के बारे में छानबीन की जाएगी। पिछले 24 घंटे में सिटी की टीम एसपी सिटी के निर्देशन में ये दूसरी बार अपराधियों के साथ मुठभेड़ है। हमारी पूरी टीम को मेरी तरफ से प्रशस्ति पत्र और इनाम दिया जा रहा है। बता दें कि बदमाश अपहरण के मामले में फरार था। पुलिस को इसकी काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने इस बदमाश के कब्जे से तमंचा, 2 खोखे और बाइक बरामद की। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट।